हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग सब कैसे हो? हाँ, सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ खाकरा। तो मैं एकदम सिंपल खाकरा बनाने जा रही हूँ। ये खाकरा आप डाइट में खा सकते हो। तो डाइट जो डाइट करते हैं, तो मैं उनके लिए बता रही हूँ कि मैं एकदम सिंपल तरीके से खाकरा बनाऊंगी। उसमें ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, बस बहुत कम वैरायटी चाहिए जो अपने घर में रहते। तो घर में कैसे खाकरा बनाते, तो प्लीज फ्रेंड्स आप मेरा पूरा वीडियो देखना। वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब, शेयर और लाइक तो जरूर करना। तो चलिए बनाते हैं खाकरा। तो सबसे पहले खाकरा के लिए मैंने ले लिया है आटा। ये मैंने गेहूं का आटा लिया है। गेहूं के आटे में मैं इसमें डालूंगी कस्तूरी मेथी और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी जीरा और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी नमक। और अभी इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी जीरा पाउडर और मैं एक स्पून इसमें डालूंगी घी। अभी इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये डाइट का इसको अभी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अभी मैं इसको अच्छी तरह से गूंदूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंदना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल में इसको ज्यादा गर्ट भी नहीं करना है, ज्यादा गीला भी नहीं करना है। एकदम थोड़ा सा एकदम सॉफ्ट में गूंदना है। ये देखिए मैंने आटा गूंद लिया है। एकदम इस तरह से आटा रहना चाहिए, बिल्कुल गीला नहीं है, एकदम सॉफ्ट से है। अब इसमें थोड़ा सा मैं इसके ऊपर घी स्प्रेड करूंगी। बस इसको मैं अभी 5 मिनट रखूंगी, फिर मैं इसके बनाऊंगी खाकरे। सबसे फर्स्ट मैं इसके लोए करूंगी। तो लोए करने के लिए पहले मैं इसकी वाल बनाऊंगी। ये मैंने वाल बना दिए। अभी इसके मैं लोए बनाऊंगी। ऐसे बनाने हैं लोए। फिर मैं इसको गोल गोल करूंगी। सब मैंने लोई बना के रख दिए। अब मैं बनाऊंगी इसके खाकरे। अभी देखिए मैं स्टार्ट कर रही हूं। जैसे रोटी बनाते हैं उसी तरह बनाना है। एकदम पतले बनाने हैं। जितना अच्छा पतला बनाओगे उतने अच्छे खाकरे एकदम क्रिस्मी क्रिस्मी होंगे। ये देखिए मैंने एकदम पतला बना दिया है। ये हो गया है। अभी मैं दूसरा बनाऊंगी। थोड़ा सा मैं आटा लगा लेती हूँ। आटा ज्यादा नहीं लगाना है, कम कम ही लगाना है। सब खाकरे इसी तरह ही बनाना है। मैंने एकदम सिंपल वे में बनाया है, आप भी घर पे ट्राई कर सकते हो। अभी मैंने तवा रख दिया है। तो मैंने तवा इसे पहले फर्स्ट थोड़ा सा गर्म करना है। तो ये देखिए गर्म हो गया है तवा। अभी मैं ये रखूंगी जो बनाए हुए खाकरा है। अभी मैं इसको उल्टा साइड करूंगी। अभी इसको इसे प्रेस करना है। आप कोई भी चीज लेके इसको प्रेस कर सकते हैं। ये खाकरा का ही है, ये वुड का है। तो मैं इसको इससे ऐसे प्रेस करते रहना है। दोनों साइड से इसको ऐसे प्रेस करना है। ये देखिए
खाखरा रेडी हो गया है। अभी मैं दूसरा लूंगी। अभी फिर वापस मैं इसको उल्टे साइड में करूंगी। अभी इसको अच्छी तरह से वापस प्रेस करना है। सभी खाकरा ये इस ऐसे ऐसे ही बनाना है इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, खाकरा रेडी हो गया है। तो आप इसको चटनी के साथ, कोई भी चटनी के साथ खा सकते हो, और अगर आपको घी अच्छा लगा हो, घी अच्छा लगे तो घी के साथ भी खा सकते हो, इसके ऊपर आप लगा सकते हो। पर ये जो डाइट का बनाया हुआ है तो प्लीज़ घी मत लगाया करो, ऐसे ही खाया करो। जो डाइट नहीं करते वो घी लगा के खा सकते हैं। आप अचार के साथ खा सकते हो, ये नाश्ता में आप कहीं पर कैसे भी खा सकते हो। कहीं आप ट्रैवलिंग करने जाए, कहीं पर भी जाए, तो आप खाकरा बना सकते हो और लेके जा सकते हो ट्रैवलिंग के लिए। तो आपको ये मेरा खाकरा की रेसिपी कैसी लगी प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करना। ये देखिए एकदम अच्छा बना है। एकदम बहुत अच्छा बना है।